केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमें अपने देश के साथ जोड़ती है। हिंदी हमें अपने देश की एकता में मदद करती है और हमें अपने देश की प्रगति में मदद करती है। शनिवार को वे हिंदी दिवस पर कृष्णा गार्डन के सभागार में नागरिक विकास मंच के तत्वाधान में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। मांझी ने कहा कि हमें हिंदी का महत्व समझना चाहिए और इसे अपने जीवन की हर कार्य संस्कृति में अपनाना चाहिए। हमें हिंदी में बोलना, पढ़ना और लिखना चाहिए और हिंदी के साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। इन्होंने कहा कि हिंदी दिवस मनाने का मूल मकसद हिंदी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और नई पीढ़ी को अपनी मातृभाषा के प्रति गर्व महसूस कराना है। इन्होंने विशेष रूप से शानदार कार्यक्रम के आयोजन के लिए वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से हिंदी की महत्ता से लोगों को अवगत कराने में सहूलियत होती है। डॉक्टर एस के सुनील की अध्यक्षता और संतोष श्रीवास्तव के संचालन में आयोजित समारोह में जिले के सेवानिवृत्त पत्रकारों के अलावा साहित्यकारों व कवियों को भी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सम्मानित किया। मौके पर जिलाधिकारी अलंकृता पांडे, एसपी अरविंद प्रताप सिंह, एसडीओ विकास कुमार के अलावा हम के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, राष्ट्रीय सचिव रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा, लोजपा नेत्री डॉक्टर इंदु कश्यप, राम जीवन पासवान, भाजपा नेता रंजीत रंजन, डॉक्टर रोहित राज सहित विभिन्न सामाजिक उपकरणों के सैकड़ों प्रमुख लोग उपस्थित थे। सम्मान पाने वाले सेवानिवृत्त पत्रकारों में सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा, राम नंदन प्रसाद सिन्हा, पत्रकार मदन शर्मा, शैलेश कुमार, सीताराम जी व राजकुमार को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ इस अवसर पर असंख्य कवियों, साहित्यकारों, शायरों, कलाकारों एवं अन्य कई पत्रकारों को सम्मानित किया गया। मौके पर हिंदी दिवस की महत्ता को विस्तार से रेखांकित करते हुए डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने कहा कि हिंदी को पढ़ना और लिखना आसान है। हिंदी में दूसरी भाषाओं के शब्दों का भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। हिंदी के वर्णमाला के स्वर और व्यंजन दूसरी भाषाओं की तुलना में ज्यादा व्यवस्थित है। वहीं इस मौके पर पत्रकार मदन शर्मा ने अपने शब्दों से माहौल को भावुक कर दिया। इन्होंने वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव एवं नागरिक विकास मंच का आभार जताते हुए कहा कि जब मैं रिटायर्ड हुआ था तो हमारे साथ काम करने वाले कर्मी भी एक फूल लेकर हमारे पास नहीं आए। आज जिस तरह से मुझे सम्मानित किया गया है, मैं काफी भावुक हूं और ढेर सारा आभार व्यक्त करता हूं। पत्रकार शैलेश कुमार ने कहा कि हिंदी का महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है, क्योंकि ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। सभी अवकाश प्राप्त पत्रकार के साथ कवि, शायर तथा साहित्यकारों को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अंगवस्त्र स्मृति चिन्ह तथा 2025 का डायरी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर हर वर्ष की भांति एक स्मारिका का विमोचन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एवं अन्य अतिथियों द्वारा किया गया। मंच का संचालन वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव द्वारा किया गया। पंजाब में एक कड़ी के रूप में काम करते हिंदुस्तान के लोगों को एक रखना, उस हिंदी को सचमुच में जो स्थान मिलना चाहिए, स्थान अभी नहीं प्राप्त है, वो स्थान प्राप्त हो इसी की कामना करते हुए आज जहानाबाद में नागरिक विकास मंच की ओर से हिंदी दिवस का अवकाश प्राप्त पत्रकार सम्मान समारोह में आए सभी लोगों को हम हार्दिक शुभकामना देते हैं। और इस आयोजन की अध्यक्षता डॉक्टर एस के सुनील जी कर रहे हैं, संतोष श्रीवास्तव जी इसके संचालनकर्ता आयोजक जो भी समझेंगे, और यहाँ पर उपस्थित हैं जैसा कि बताया गया कि नागरिक विकास मंच के कर्ता धर्ता में और कर्ता में डॉक्टर सी एस शर्मा का नाम बहुत प्रतिष्ठा से लिया जा रहा है। और फिर अभी जिनकी बात सुना डॉक्टर कृष्ण कुमार जी यहाँ पर उपस्थित हैं,
श्रीमती अनंत गीता पांडे जी के जिला पदाधिकारी हैं और श्री अनंत प्रताप सिंह जी जो जिला अधीक्षक हैं। हम यहाँ पर कहना नहीं भूलेंगे कि सचमुच में दोनों पदाधिकारी जो जिला के पदाधिकारी हैं, बहुत कम पदाधिकारी ऐसे होते हैं जो ऐसे आयोजन में आते हुए पांच अपना समय लगाते हैं। हम जरूर समझते हैं कि छोटी छोटी बात को भी अच्छे महत्व देने के लिए इन लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सचमुच में इन लोग दोनों सफलता पदाधिकारी हैं। हम इन लोगों को निश्चित रूप से बधाई देते हैं। पंकज शर्मा जी, नवीन शर्मा जी, नितेश कुमार जी, सुनील शर्मा जी, श्रीमती इंदु कश्यप जी, विकास कुमार जी तेलंगाना के पदाधिकारी हैं, अभिराम जी, रोहित जी, रंजीत रंजन जी, राहुल सुमिलन जी, मदन शर्मा जी, अजीत कुमार जी, हरिंदर जी, राकेश जी और सभी कवि साहित्यकारगण और कार्यक्रम के सभी पदाधिकारीगण, प्रेस के चाहे प्रिंट मीडिया के हों या टेलीविजन मीडिया के हों, और सबसे ज़्यादा जो सम्मानित हुए उन लोगों को भी मैं अपने तरफ से भी सम्मानित करता हूँ। लोकतंत्र नहीं, और सम्मान के अलावा भी जो साहित्य और हिंदी के प्रेम रखते हैं वो यहाँ उपस्थित हैं, उन सब भाई बहन को भी बहुत बहुत हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। भाषण का कोई विशेष समय नहीं है, लेकिन प्रारंभ में जैसा हमने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण हुआ करता है। जिस समाज जिस जगह का साहित्य उनका होते हैं वहाँ का समाज सचमुच में ठीक होता है। आज जो हम 21वीं शताब्दी में हैं और भाग दौड़ है आधुनिकता का, भाग दौड़ है हमारे वैज्ञानिक आविष्कार का, उस समय साहित्य का महत्व बढ़ जाता है। साहित्य हमारे रूप से हमारे जन्म काल से उसका तादात्म्य संबंध रहता है, और जब साहित्य की धारा कहीं न कहीं दूषित हो जाती है तो सचमुच में समाज भी दूषित हो जाता है। आज जो हमारे सामने वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि साहित्य विशेष करके हिंदी के बारे में जो हमारी सोच रहनी चाहिए वो सोच है नहीं। हिंदी इतना बड़ा इसका संसार है, कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम देखते हैं, हम मगही वासी हैं, मगही में बात अपना करते हैं, मगही का अलग इतिहास है, उसी प्रकार से हमारे हिंदी का भी देव का इतिहास है, एक से एक विद्वान है। लेकिन यदि थोड़ा सा हम अंग्रेजी जानते हैं तो हिंदी को छोड़ करके अंग्रेजी में टूटी फूटी बात करना चाहते हैं, मगही भोजपुरी की बात तो छोड़िए। तो हमारा कहना है कि जब हिंदी है तो हमारी माँ के रूप में है, हम अपनी माँ को प्रतिष्ठा अगर नहीं देंगे, किसी दूसरे को प्रतिष्ठा देंगे तो माँ कलंकित होगी, और माँ जब कलंकित होगी तो हम कलंकित होंगे, हमारा संस्कार बिगड़ेगा। तो आज साहित्य और हिंदी खास करके हम तो कहने लग गए हैं, पता नहीं राजनीतिक क्षेत्रों में सामंजस्य बैठाने के लिए भाषाओं का जहाँ तक सवाल है, श्री भाषा फॉर्मूला लागू किया गया है, हिंदी अंग्रेजी और स्थानीय भाषा। मेरा कहना है जैसा प्रारंभिक समय हमने कहा कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा थी जो स्वतंत्रता के लायक हम लोग कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक और इधर कच्छभूमि से लेकर के आश्रम गौहाटी तक हम लोग एक ही भाषा में ढूंढते थे। महात्मा गांधी का कार्यक्रम खुला था, हमारा काम हो रहा था, तो इसको
राष्ट्रभाषा के रूप में जरूर विकसित करना चाहिए। आज तक राष्ट्रभाषा का रूप धारण हमारा हिंदी नहीं कर सकती, जरूर हिंदी भाषियों को मलाल भी होगा। हम भी इससे वंचित नहीं हैं, हम भी सोचते हैं। आज एक दूसरे देशों में भी, चाहे मॉरिशस हो या इवन चीन में भी, हिंदी लोग बोलते हैं और हिंदी को समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा कहने का मतलब कि हमारा हिंदी का प्रचार प्रसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इसको स्थान दिया गया है, हम वहाँ भी बोल सकते हैं हिंदी में अनेक भाषाओं के साथ साथ। तो फिर अपने देश में हम क्यों हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में पर नहीं घोषित किया, ये सोचने की बात है। इसलिए हम हिंदी भाषी से कारों से विशेष करके प्रार्थना करना चाहेंगे, जैसे भी हो इस स्तर पर हो इसकी मांग होनी चाहिए और हम हर जगह इसकी चर्चा करते हैं। भले पत्रकार मित्र लोग कहीं ना कहीं हमारी बातों को नहीं उठाते हैं, एक अलग बात है, पता नहीं कहीं सरकार के तरफ से कोई उन पर संदेह है, उन पर कोई दबाव है जिसके चलते ऐसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन करना चाहिए। जो बातें कहीं निकलती है उसको देना चाहिए, पब्लिक डोमेन में प्रश्न चाहिए। जैसे कि आज हो सकता है कि हम केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्र सरकार की भाषा फॉर्मूला है और उसके इधर जा कर के जब हिंदी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पर भी दबाव आ सकते हैं, लेकिन हम उसको समझने के तैयार नहीं हैं। हिंदी हमारे लिए एक तरह से प्राणवायु रूप में काम करती है, किया है, तो हम उसको कैसे ढूंढें। इसलिए जो भी हिंदी के साहित्यकार हैं, हिंदी जानने वाले हैं लोग, अपने लेखनी से उस समय जिसमें आज़ादी की बात हो रही थी, हिंदी के कवि लेखक उपन्यासकार एक एक बातें इस तरह से उन्होंने की थी और जन जागरण पैदा कर दिया था, सबके दिल और दिमाग में आज़ादी की आग को उन्होंने भड़काया था। आज भी आवश्यकता है कि जब हमारा समाज थोड़ा सा रेल हो रहा है, हम ह्यूमन वैल्यू जिसको कहते हैं, मानवीय मूल्य जिसको कहते हैं, उसको हम लोग दरकिनार कर रहे हैं और दरकिनार करके कुछ रूल की बातें हम लोग करते हैं। हम लोग भूल गए अपने संस्कृति को, हम लोग भूल गए अपने संस्कार को, जिसके चलते हिंदुस्तान धर्म गुरु कहलाता था, विष्णु गुरु कहलाता था, हर तरह से हम खूब परिपूर्ण थे। लेकिन आज हिंदी की जो विद्वानता है, हमारे की जो कमी है, जिसके चलते कहीं ना कहीं हम लोग अलग हो गए हैं। भाषा के चलते हुए भी भाषा चलिया भाषा बोलना शुरू कर दिया है। विशुद्ध हिंदी बहुत कम लोग बोलते हैं, हम भी बोल रहे हैं तो हिंदी नहीं बोल पाते हैं क्योंकि तो हम हिंदी के विद्वान नहीं, हम भी क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। लेकिन चाहिए कि हिंदी का व्याकरण हो, हिंदी साहित्य हो, उसको आगे बढ़ा करके हम कैसे आगे चल सकें, इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। आज संतोष कुमार श्रीवास्तव जी यहाँ पर हिंदी दिवस के अवसर पर पत्रकारों को, जो रिटायर कर गए हों, सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनको सम्मानित करने का जो कार्यक्रम किया, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इसके लिए हम उनकी सराहना करते हैं। हम उनको जरूर कहना चाहते हैं कि पत्रकारों से जिंदगी से उनका लगाव रहा है और जहानाबाद के लिए एक अच्छे पुरुष के रूप में गिने जा रहे हैं और गिने जाएंगे। तो हम विशेष और कुछ इस संबंध में नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहते हैं, हमारी दिल इच्छा है कि ऐसे तो हम मगही बोलते हैं, मगही बोलना हम अपना धर्म समझते हैं, लेकिन क्योंकि आज हिंदी की बात है इसलिए हम मगही नहीं बोले, लेकिन यही कहना चाहते हैं कि हिंदी हर तरह से माँ का रूप ले और हिंदी को मर्यादित हम लोग करें, तभी हमारा विकास होगा, तभी हमारा समाज ठीक हो सकता है। इसी बातों के साथ हम अपनी बात को, हिंदी दिवस जो एक ऐतिहासिक दिवस है हमारे राष्ट्र के लिए, इस पुनीत अवसर पर मैं
तमाम अतिथियों को, तमाम मित्रों को, तमाम कवियों और लेखकों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और इस मौके पर विशेषकर नागरिक विकास मंच जहानाबाद, जो इस सुंदर आयोजन की तैयारी की गई है, उसके लिए आयोजक मंडल के जो मुख्य सदस्य हैं, संतोष श्रीवास्तव जी हैं, सुनील बाबू हैं, या और भी इस एसोसिएट के बहुत सारे लोग पत्रकारिता में नहीं है, इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि जो पत्रकार अवकाश प्राप्त की बात की गई है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। अवकाश प्राप्त तो सब लोग करते हैं एक न एक दिन, मगर पत्रकारों को ये छूट रहती है, क्योंकि वो मूलतः लेखक है, वो मूलतः कर्म के सिपाही है, तो वो कभी एक बार ट्रेन चला रहे थे, तो साथ में जो लोग बैठे हुए थे, तो उस समय तैयारी का समय था, तो जो साथ में लोग थे उन्होंने पूछा कि किसी बात पर चर्चा हो रही थी, तो उनको लगा कि मेरे पास थोड़ा ठीक ठाक ज्ञान इस बारे में, तो बोला कैसे है, मैंने उनको बोला मैं न्यूज पेपर पढ़ता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप नौकरी या फिर कॉम्पिटिशन वगैरह की तैयारी करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है जो अदरवाइज नहीं पढ़ते हैं, जिसको हम सामान्य GS पेपर बोलते हैं। तो अगर एक एस्पिरेंट में से एक जर्नलिस्ट का रूप माइनस कर देखें, तो बहुत कुछ माइनस हो जाता है। तो पत्रकार से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, हम लोग इन द सेंस जो भी छात्र अपने छात्र जीवन से जब आगे बढ़ता है, तो न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल्स होते हैं उसको रिलीजियसली पढ़ना होता है। अपने तैयारी के दौरान हम लोग मुझे याद है उस समय चार पाँच जो कॉम्परेट न्यूज़ पेपर थे, लेके स्टैंडर्ड हो गया, हिंदू हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ये सारे न्यूज़ पेपर जो भी थोड़ा बहुत सीखे वो किन्हीं ने किन्हीं पत्रकार के द्वारा लिखे हुए आर्टिकल से ही सीखे, तो उसमें जो एक माइंड को शेप किया जाता है तैयारी के दौरान, उसमें जर्नलिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी को यहाँ आमंत्रित करने के लिए और मुझे यहाँ बुलाने के लिए आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। यहाँ काफ़ी सीनियर और वरिष्ठ लोग यहाँ पे हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, सभी को मैं नमन करता हूँ। कुछ यंग जो जर्नलिस्ट हैं उनसे मैं बस यही कहता हूँ कि अभी आपकी एडिट्स की शुरुआत है, तो शुरुआत में मेहनत ज़्यादा करना होगा, चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो, एक बार एक प्लेटफॉर्म बन जाता है फिर आप थोड़ा सा आराम से आप काम करते हैं। तो अभी आपका एडमिशन भी है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और यहाँ बहुत अच्छा लगा, एक बहुत अच्छा इवेंट हुआ, सब लोग खुला करने पर अपने और मैं अपने तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और अभी कभी ना कभी किसी ने किसी को मिलते रहते हैं। धन्यवाद। विनत भाव से अतिथि देव का, विनत भाव से अतिथि देव का, बार बार पद वंदन है, प्रेम पूर्ण सौहार्द लिए आगतिगणताय अभिनंदन है, प्रेम पूर्ण सौहार्द लिए आगतिगणताय अभिनंदन है, करने आरती थाल धूप नदी, करने आरती थाल धूप नदी, अक्षत रोली चंदन है, प्रेम पूर्ण सौहार्द लिए आगत जनताय अभिनंदन है।
स्वागत के आने का थे, तब से मन में आस दिए, इतनों तन अरमान दिलों में नव उमंग उत्साह दिए। अब स्वागत के आने का थे, कब से मन में आस लिए, नित नूतन अरमान दिलों में नव उमंग।